पहले जलसा इमरान खान साहब ने मुलतवी किया, आपने देखा होगा सारी रात जो है वो जेल के अंदर मुजाकरात हो, बड़े ताकतवर लोगों के इमरान खान के साथ मुजाकरात होते हैं। उस वक्त उस जलसा मुलतवी ना करते उस दिन ये खदशा था कि उस जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, लोग जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेजिडेंट हाउस में चले गए थे, क्योंकि वहां पे कुछ हमारी दीनी जमातों के लोग भी इकट्ठे हुए, और वहां पे जब ये आने थे पीटीए के वर्कर्स, तो ये दीनी जमातों वालों ने उनको इश्तियार दिला के वहां ले जाना। गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा है वो इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद, गंडापुर साहब कहाँ रहे 8 घंटे, इस बारे में गंडापुर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देखिए जो MNA साहब मरवत साहब या दूसरे लोग गिरफ्तार रहे हैं, देखिए मरवत साहब भी कानूनदान है, मोहन साहब भी हमारे कानूनदान हैं, इनको चाहिए कि ये कोर्ट में जाएं और बताएं इतनी देर इनको जो रखा गया थाने में किस कारण से है। मर्र होता है कि इस तारीख को जलसा होना है, अगर उन्होंने 8 सितंबर को जलसा किया और रात 12 बजे से पहले ख़त्म किया है तो कोई जरूरत टेनर लगाने की जरूरत ही को, जुर्म तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने जलसे को नाकाम करने की कोशिश करने के लिए कंटेनर लगाए, लोगों के रास्ते बंद किए। वो जेल के अंदर मुजाकरात हो, बड़े ताकतवर लोगों के इमरान खान के साथ मुजाकरात होते रहे, यहाँ तक के अली मीन गंडापुर साहब को और मुजाकरात में शामिल किया गया टेलीफोन के जरिए, फिर वहाँ से स्वाति साहब आए, फिर उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद फिर बाद में गौर साहब और दूसरे जो लीडरान हैं PTI के सब के साथ इमरान खान ने मुशावरत करने के बाद उस जलसे को मुलतवी किया, क्योंकि उस वक्त उस जलसा मुलतवी ना करते तो उस दिन ये खदशा था कि उस जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, लोग जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेजिडेंट हाउस में चले गए थे, क्योंकि वहां पे कुछ हमारी दीनी जमातों के लोग भी इकट्ठे हुए, और वहां पे जब ये आने थे PTA के वर्कर्स, तो ये दीनी जमातों वालों ने उनको इश्तियार दिला के वहां ले जाना। तो क्या समझती हैं आपके इमरान खान साहब ने दानिश्वर फैसला किया? मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फैसला था उनका, बड़ी अकलमंदी का फैसला था, और इस मुल्क के लिए उन्होंने फैसला किया, मुल्क की कौम के लिए फैसला किया, मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और इसकी बेहतरी के लिए। और ये जो कहा गया वहाँ पे कि हर शख्स को 5,000 रुपया दिया गया जलसे काल के अंदर, और ये भी कहा जा रहा था कि 8 सितंबर का जलसा ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अगर 8 सितंबर का जलसा ना हो पाता तो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ तमाम खत्म हो जाना था? देखिए पार्टियां कभी खत्म नहीं होती, इस तरह आपने देखा और ज्यादा दौर में किस पार्टी के कई जलसे नहीं होने दिए गए, मुशर्रफ दौर में नून लीग के कई जलसे नहीं होने दिए गए, पार्टी इस तरह खत्म नहीं होती, पार्टियां रहती हैं, बाकी हाँ पार्टी की क्रेडिबिलिटी जो है उस पे असर जरूर पड़ता है। इस तरह के जलसे का ऐलान करके मुलतवी करते रहना, फिर करना, फिर मुलतवी करना, फिर करना, फिर लोग जो है वो कहते हैं कि ये एक मजाक है, फिर आते नहीं। इस तरह अवाम को अब पता चल गया है कि ये जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं लोग, सियासतदान जिनकी हुकूमत बनाई गई है,
जीरा ब्लेड और बनारसी ठग लोग जो है ये किस तरह गरीब की जेब से भी पैसे किस तरह निकलवाते हैं। अब बिल उसका 2,000-20,000 रुपया उसे लेके दे किसको रहे हैं जो बिजली बना ही नहीं रहा। ठीक हो, अच्छा बादशाह साहब आप बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बात हम आते हैं वहाँ पर जो एग्जैक्ट हुआ है 8 सितंबर को जो जलसा हुआ है वहाँ पर हमने गंडापुर साहब के मुँह से वो अल्फाज सुने जो जरीफ में कभी नहीं देखा हूँ इतना हाई पर। अब आप ये बताया कि जो स्पीच की है ये गंडापुर साहब की अपनी चॉइस की स्पीच थी या ये वो अल्फाज थे जो कोई और शख्स उनकी जबान से अदा करवाना चाहता था? ये गंडापुर साहब की जो तकरीर है हमेशा ऐसे जलसों में लीडर ऐसी इससे पहले तो हमने देखा कि उनके वो बड़ा बुजदलाना सी किस्म की थी तो लोगों ने काफी तनकीद भी किया गंडापुर साहब हमने आपको इसलिए इतनी वजीर आला बनाया कि आप जनाब छुप छुपा कर बातें करें, आपने करनी है तो खुली बात करें, तो क्या समझते हैं आवाम का दिल रखने के लिए इतनी जोशीली तकरीर की? नहीं देखिए गंडापुर साहब के जो कायद हैं वो इमरान खान हैं जो पीटीए के चेयरमैन साहब का चेयरमैन है और उनकी सेक्शन पे जो बात कही है वो मैं मेरे ही राय में गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा है वो इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद ही किया और ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने ये उन्होंने इमरान खान की मुशावरत से ही किए क्योंकि वो जो इससे कबल जो रात थी एक जलसा जब नहीं होने दिया मुलतवी किया गया उस रात जो मुजाकरात होते रहे थ्रू गंडापुर ही होते रहे जी गंडापुर साहब के ही जरिए हुए थे मुजाकरात और मैं समझता हूँ कि ये गंडापुर साहब की बड़ी खूबसूरत तकरीर थी। उन्होंने असल हकायक बताए हैं कौम को कि कौम के साथ हो क्या रहा है और कौम कौन से अदारे क्या क्या कर रहे हैं कौम के साथ और ये कब तक ये जुल्म सितम इस कौम के साथ होता रहेगा ये बात उन्होंने जो है बहुत। तो फिर तो आपको आसफ ख्वाजा आसफ साहब की बात की भी तायद करनी चाहिए, ख्वाजा साहब ने कहा जनाब कि लोग उसी शख्स पर आज बोल रहे हैं जिस शख्स की ये पैदावार थी जिस इदारे की ये पैदावार थी, तो क्या समझते हैं आपकी वो भी सही नाले पे ज्यादा माना था आज? नहीं ख्वाजा आसफ साहब कभी कोई बात करते हैं कभी कोई बात करते हैं कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं कभी उनके हक में बोलते हैं कभी हुकूमत की जुबान बोलते हैं। मैं उनकी किसी बात पे यकीन नहीं क्योंकि वो फॉर्म 47 के एक एमएलए हैं इसलिए वो कोई बात भी करें तो वो कौम के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। और जहाँ तक बात है गंडापुर एक इलेक्टेड वजीर अला के पी के है और वो बड़ा इलेक्टेड कमेटी का मेम्बर है पीटीआई का और उसने जो बात की उसने पूरी मुशावरत के साथ पूरी दिलेरी से बड़ी जरूरत से बात की और कौम का जज्बा बढ़ाया। आपके तकरीबन तरीके में आपके तमाम सीनियर जूनियर लीडरशिप के साथ रास्ते में बड़ी इज्जत करते हैं माफी दत्तारपुर साहबा हों या शीरत अलमदा साहब हों, ये रात की जो खबर चल रही है कि जनाब के पी के वजीर अला गंडापुर साहब 8 घंटे किसी की तकरीर में रहे हैं कुछ वहाँ पर चाय शायद मौजूद है वहाँ पर उमर यूसुफ साहब ने भी कहा अपने ट्वीट में, तो ये कुछ तफसीलात आपके पास आई हैं कि वो 8 घंटे कहाँ पर थे और अब वहाँ पहुँचे उनकी जानब से ये भी कहा जा रहा था कोई बयान आएगा सामने कुछ सामने आया ये भी भट्ट साहब इस पे क्योंकि मुख्तलिफ रूमर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के वाकयात सामने आ रही हैं ये इसकी तस्दीक उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक गंडापुर साहब खुद ना बताएं वो कहाँ थे क्या उनको ले जाया गया था किसी जगह पे या वो खुद गए थे या वो जो वहाँ पे केपीके हाउस है इस्लामाबाद में वहाँ थे इस बात की तस्दीक या तरदीक गंडापुर कर सकते। तो क्या समझते हैं आठ घंटों में वो जहाँ पर भी थे केपीके हाउस में थे किसी दोस्त के पास थे किसी की दावत पर थे क्या ये 8 घंटे अहम रखते हैं बहुत ज़्यादा इन 8 घंटों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या गंडापुर साहब को इसकी तफसील तमाम को बतानी चाहिए? जी भट्ट साहब मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ क्योंकि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उनके तनाजों में जाकर देखा जाए तो गंडापुर साहब का 7-8 घंटे पसे पर्दा हो जाना या ये कह देना कि वो जी वो किसी जगह बैठ गए थे या सो गए थे या रह गए थे तो या उसे कोई एजेंसी वाले या बड़े अदारे को साथ उठा कर ले गए थे कुछ कहने के लिए या समझाने के लिए के बताना चाहिए ताकि ये हाँ। जो दिन में शब्दों से बात चल रही है खुली हो। देखिए आज भी 7 दिन मैं अदालत में वकला के मुंह से ये सुन रहा था कि गंडापुर साहब जो लापता हुए और यकदम फिर आ गए सामने इस बात की गंडापुर साहब की तरफ से फौरन तफसील आनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम जो है इस जो बात आप कर रहे हैं गंडापुर साहब कहाँ रहे 8 घंटे इस बारे में गंडापुर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। ठीक है अब बात है एक और अहम सवाल की जाने कि मनवर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने आज जनाब पार्लियामेंट हाउस में ये कहा कि जितने भी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है
जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, ये इंतहाई गलत हुआ है। फौरी तौर पे जनाब स्पीकर साहब को चाहिए इनकी रिहाई का हुक्म दे, और ये हुआ भी है। याज सादिक साहब ने इनकी रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया। तो क्या समझते हैं जनाब पार्लियामेंट के कदम मेंबरान को गिरफ्तार करना और बाद में इनकी रिहाई के हुक्म देना, ये तकरीबन जो 20-25 घंटों में स्नैरियो डिसाइड किया गया, इसका मकसद क्या था? व्हाट्सएप, मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि ये जो MNA की कल रात गिरफ्तारी हुई, साहब हो मतलब हो या कुरैशी हो या दूसरे उमर अयूब वो दिगर जितने भी लोग पकड़े गए MNA, देखिए ये एक लॉ बना हुआ है। अब किसी MNA या सेनेटर को विदाउट द परमिशन ऑफ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कमीशन गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये लॉ देखे कल रात तो इतना बना, ये लॉ तो जब से पाकिस्तान बना, जब से पार्लियामेंट हाउस बना है, जब से तमाम डिसाइड हुआ, तो क्या इन लोगों को IG साहब को या वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वहाँ जिनको भी ऑर्डर मिला गिरफ्तारी का, क्या उन्हें उस वक्त इस लॉ का नहीं पता था कि करंट जो MNA होता है या जो पार्लियामेंटेरियन होता है उसको हम गिरफ्तार नहीं कर सकते? देखिए जो MNA साहब मरत साहब या दूसरे लोग गिरफ्तार रहे हैं, देखिए मरो साहब भी कानूनदान है, मोहन साहब भी हमारे कानूनदान हैं, इनको चाहिए कि ये कोर्ट में जाएं और बताएं इतनी देर इनको जो रखा गया थाने में किस कानून के तहत, किस जब्ते के तहत। कोई मुकदमा भी दर्ज होता है तो विदाउट परमिशन जो है चेयरमैन सेनेट या जो स्पीकर असेंबली उसकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। ये इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, जो मुकदमा दर्ज हुए, जब इजाजतनामा था जलसा करने का, उन्होंने जलसा किया। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं जनाब के, ये भी एक खबर सुनने में आ रही है कि जो जलसा गा था, जिसने जो मेंबर था जनाब, जब यहाँ पर इनको जलसा गा था टाइम 7 बजे का दिया गया था, लेकिन जलसा शुरू हुआ 9 बजे, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन इन लोगों ने भी की, तो उस वायलेशन के तहत जनाब एक हुक्म था कि हम तमाम लोग जो जितने मेंबर उसको जलसा गा में होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। मैं व्हाट्सएप आपको वादे करता चाहता हूँ, कानून में टाइम फिक्स नहीं होता किसी जलसे का, 24 आवर होता है कि इस तारीख को जलसा होना है। अगर उन्होंने 8 सितंबर को जलसा किया और रात 12 बजे से पहले खत्म किया है तो फिर कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कानून के मुताबिक कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कहता उसकी इजाजत ली है। और उसमें फिर रिलैक्सेशन भी होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इसको रूल्स को रिलैक्स करके मजीद इजाजत दे देता है। ठीक है, अब जब लाखों का मजमा हो उसको यकदम आप नहीं कह सकते कि बस जलसा खत्म आप चले जाएंगे, होगा उसके लिए भी एक तरीकाकार होता है लोगों को डिस्पेंस करने के लिए या जलसे का इख्तिताम करते हुए। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से कानून की कोई वायलेशन नहीं हुई। हाँ अलबत्ता अगर कंटेनर लगाने की जरूरत थी, को जुर्म तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने जलसे को नाकाम करने की कोशिश करने के लिए कंटेनर लगाए, लोगों के रास्ते बंद किए। अगर आम बंदा रास्ता बंद करता है तो उसमें मुकदमा तहसीलदारी का दर्ज हो जाता है। ये 9 महीने के मुकदमा जितने भी हैं यही था ना, रोड ब्लॉक कर दी, टायर जला दिए और जनाब नारेबाजी की। ये जो कंटेनर लगा के आपने बंद किया, आपने तो दहशतगर्दी की, तो ये मुकदमा तो होना चाहिए था पुलिस पे और जो सरकारी अहलकारान जिन्होंने ये कंटेनर लगाए थे उन पे। ये गलत मैं कहूँगा जो मुकदमा दर्ज हुए थे इस्लामाबाद में, ये बिल्कुल गलत हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला भी देगी। चलिए, इमरान खान साहब का एक पैगाम भी आया है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो किसी से कोई मुलाकात नहीं करेंगे। इसका मतलब पहले खान साहब मुलाकात करना चाहते थे किसी ना किसी से, अब उन्होंने बिल्कुल फैसला दे दिया मुलाकात नहीं करना चाहते, तो आप क्या चाहते हैं, वो क्या होगा आने वाले वक्त? देखिए जो आने वाला वक्त है वो इमरान खान है, मेरी राय, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब हो जाते हैं और जिसके बिला मुकाबला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मुकाबला तो दूर की बात, बहुत ज़्यादा जो है रिवर्स यही है कि शायद बिला मुकाबला हो जाएंगे, मुकाबला भी होगा तो फिर भी वो बड़ी एक्सीरियस से जीतेगा। अगर वो चांसलर बन जाता है तो फिर भी तो इनको हुकूमत को छोड़ना होगा। दूसरी बात सब आपको बताता चलूँ कि 14-15 अक्टूबर को हुकूमत कोई मुआशी कॉन्फ्रेंस रख रही है, इकनॉमिक मुआशी कॉन्फ्रेंस मुल्क के अंदर, जिसमें तमाम दुनिया के ममालक को दावत दी गई। उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करवाने के लिए ये मजबूरी है हुकूमत की और अदारों की इमरान खान को रहा करना, और मैं समझता हूँ कि शायद वो बहुत जल्द 10 दिन के अंदर अंदर रहा हो जाएंगे। में ये बता दें, क्या गंगापुर साहब का जो जोश हमें नजर आया 8 तारीख को, क्या वो जोश अभी भी वैसे ही है या अब वो खामोश हो गए? जैसे आपने बताया कि इमरान खान साहब के अल्फाज थे, अब क्या अगले अल्फाजों का वो इंतजार करेंगे? देखिए कोई भी क्यादत होती है
नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। अगर नंबर टू या थ्री पे गणापुर साहब ने आके कोई बात की है तो उसने नंबर वन से इजाजत देखी थी, ऐसे कोई बात नहीं करता। अपनी क्यादत की इजाजत के बगैर कोई भी पार्टी लीडर को बयान नहीं देता। तो ये जो उन्होंने कहा कि आने वाले 10 से 15 दिनों में जनाब के पीके से काफले रवाना होंगे पंजाब की जानेब, अडियाला की जानेब, तो क्या लगता है ये के पीके से काफले रवाना होने वाले हैं या ये जस्ट बस उन्होंने आवाम के सामने ये बात कह दी? पर सर मैं आपके प्रोग्राम में अदालत से गुजारिश करूंगा कि एक बात ध्यान में रखे, आजाद कश्मीर का जो जितना भी हिस्सा है हमारे पास वो पख्तूनों ने हमें आजाद करवा के दिया था, वो हमारी फौज ने आजाद नहीं किया। तो लिहाजा वो पख्तून कौम जो है वो एक जंगजू कौम है, वो कुछ भी कर सकती है। रंजीत सिंह ने ही दी थी, याद होगा आपको, पीछे इंस्टीट्यूट आके देखें तो रंजीत सिंह वाहिद हुक्मरान है इस खत्ते का, पूरी दुनिया का, जिसने पख्तूनों को शिकस्त। यहाँ पर हमें कौमियत लड़ाई नहीं करनी चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ, जो भी है हक सच पर बात होनी चाहिए। हमारे जितने भी इदारे हैं जुडिशरी के, बाकी तमाम, उन्हें चाहिए कि जनाब वो फैसले हों जो मुल्क के लिए बेहतर हों। सर ये बस एक बता दें कि आप सीनियर हैं और आपके रास्ते भी हैं, मेरे व्यूमर्स ये भी चल रहे थे जनाब के तमाम कैबिनेट को गिरफ्तार करके खान साहब को हमेशा के लिए क्रश करने का प्रोग्राम भी बना दिया गया था, क्या इसमें भी कोई सदाकत है? जितना जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब जिसमें इमरान खान को जहर देने की स्लो पॉइजनिंग करने की कोशिश की जा रही है, और उस मेरे बयान की वजह से, क्योंकि खान साहब बार बार ये बात कह रहे थे, खर्चा भी था। अब क्योंकि ये बात बीबीसी लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका पे ये चली तो फिर वहां से भी बड़ा इतना, जिसकी वजह से शायद अदारे ये इस बात को समझ गए। अब क्योंकि अदारों को इस बात की तो समझ है कि इमरान के बगैर पाकिस्तान नहीं है, अब इमरान है और इस मुल्क के लिए है और मुल्क के लिए जी रहा है और इस कौम के लिए जी रहा है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जिस नई ये कैदों को लेके आई है अदारे को, हमारी जो जीरा ब्लेड और नासिक ठगों को लेके आए हैं, जिस तरह इन्होंने अवाम का खून चूसा है, आप सोच नहीं सकते। अवाम ना बिल दे सकते हैं, ना वो घर का ग्रोसरी का सामान ला सकते हैं, ना बच्चों की फीस दे सकते हैं, कहाँ जाए अवाम? अब कमाई कौन कर रहा है? खर्च 45 खरब रुपए। यार इसके हिसाब से तो फिर आप ये कह रहे हैं जिस तरह इमरान खान साहब पाकिस्तान की जरूरत बन चुके हैं, फिर तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा। सर आप बरसा बाहर निकालना नहीं पड़ेगा, ये मजबूरी है दारों की। इमरान मजबूरी है इस मुल्क की, इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो इमरान की वजह से करनी है। क्या समय से बाहर आएंगे इमरान? इंशाल्लाह बहुत जल्द, दिनों की बात है। तो मैं इतनी इतना अगर तो खान साहब को बाहर लेके आना है तो फिर इतना घेरा कटान क्यों किया जा रहा है? जलसे में भी रोका जा रहा है लोगों को, और आज भी इनका केस था 190 मिलियन पाउंड का, तो उसमें भी हमने देखा कोई फैसला नहीं आया। फिर क्या वजह है? क्या दो ऑप्शन है, एक खान साहब अपनी मर्जी से बाहर मुल्क को लाना चाह रहे हैं या एक खान साहब को अपनी शर्तों पर लाना चाह रहे हैं? क्या सीन है खान साहब को किस सेंटर से बाहर आता हुआ देख रहे हैं? देखिए कोई शख्स इमरान खान को न तोड़ सकता है, ना खरीद सकता है, ना उस पर अपनी कोई मर्जी मुसलत कर सकता है। वो एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान को एक हीरा मिला है, बहुत बड़ा लीडर है, इस्लामी मुल्कों का बहुत बड़ा लीडर मिला है कौम को, और मैं समझता हूँ कि वो कौम को आगे लेके बढ़ने की सलाहियत रखता है। जी बिल्कुल बेहतर हो गया जी। नाज़रीन ये आफ्ताब बाजवा साहब थे, यकीनन आप इनके प्रोग्राम देखते होंगे, बड़े बड़े केसेज में इमरान खान साहब के हिस्सा भी रहे हैं ये केस का। बहरहाल हमें वो हुक्मरान चाहिए जो इस मुल्क के लिए बेहतर है। इमरान खान साहब हैं या कोई भी दूसरा या तीसरा शख्स है, वो अगर बेहतर है तो हम ये दुआ करेंगे कि वो शख्स सामने आए और इस मुल्क की कमांड अपने हाथों में संभाले। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह।